हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो हम मैं जीत गई हूँ, तो अब मैं इसको खाना दे देती हूँ। शाम का डिनर खाना बना लेते हैं। ये सैड है क्योंकि मैं जीत गई हूँ। तो आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैं लूडो में जीत गई। जीत जाएंगे हम भी, मैं अगर जीत जाएंगे हम, तुम अगर साथ हो तो बिल्कुल नहीं जीतना। ये बहुत सुकून मिल रहा है मुझे जीत के। अगर मैं हार जाती तो ऐसे ना जो बहुत दुख होता है, हंसना नहीं चाहिए। चलो जी खाना बनाते हैं फटाफट। बोल रही हूँ चल खड़ा हो ले, खाना खा ले। अब ये अकेला खेलेगा ताकि ये जीत जाए। मतलब देखो ऑब्सेशन की हद होती है कि जीतना ही है। इसमें क्या इशू है? मेरी गोटी है, मैं खेल रहा हूँ, तो क्या इशू है? तो चाहे पीली जीते हरी जीते तू ही जीतेगा। हाँ मैं ही जीतूंगा। लाइक सीरियसली कुछ भी, ये दोनों मेरी। अमित खड़े हो लो, खाना खाते हैं। आगे देख, यहाँ आगे। मतलब हद, अकेला कौन खेलता है भाई? तीन, एक दो तीन, सात से 29। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 29 से तू 100 पे ही पहुंच जा, जीत के खुश हो ले। 30, 31, 32, रुको अभी सीढ़ी आ जाएगी। अमित 5, 1, 2, 3, 4, मैं जाती हूँ, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं फटाफट 40 पे सीढ़ी, 85 पे पहुंच गया, कुछ भी। तो देखो जी, सुबह जो बनाई थी ना, क्या बनाई थी, ये क्या बोलते हैं इसको, मटर मशरूम। तो मटर मशरूम थी, ये बची हुई है, यही खा लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह खा रखे हैं तो इतनी ज्यादा भूख है नहीं, तो मटर मशरूम खाते हैं और आपको मिलते हैं बाद में। ये देखो, मैंने अमित की छुप के वीडियो बनाई थी, ये यहाँ पे अकेला ही खेलने में लगा हुआ है कि जीत के ही मानेगा बिल्कुल। 34 से 55, 6, रेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ले लेते हैं। ऐसे कौन लूडो खेलता है? 4 पे सांप है, नहीं खेलना। अच्छा, कुछ भी 2 चल सकते हैं। तो मन मर्जी से खेल रहे हो तुम? 3, देख देख ये दिखा, बिल्कुल बिल्कुल दिख गया। 3, 1, 2, 3, क्या बात है। कितनी बार जीत गए? डबल, हार के जीतने वाले को अमित कहते हैं। चलिए हम खाना खाएंगे, तुमसे डबल जीतता हूँ। तुम तो सिंगल गोटी लेके गई थी, हम डबल लेके गए, क्या बात है। Feeling nice. ये होता है, ये होता है खुद को मोटिवेट करना। मतलब अगर आप हार गए तो खुद के साथ खेल के जीत जाओ। हाँ। मतलब ये वो वाला हाल हो गया कि मैं रेस में पार्टिसिपेट किया और मैं सेकंड आया। मतलब कितने बच्चे थे? 2। जो भी मैं, हम तो ये हमारा वो दूसरा बच्चा है जो सेकंड आया। चलो जी खाना खा लेते हैं। अब बना लिया, बन गया, बस रोटी बनानी है। किस बात पे हंसे हो? मेरे को एकदम से ना वो गाना याद आ गया। ही ही ही, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही 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 ही, हंस देने रिंकी आके पाँव। तो रात के 12 बज रखे और मुझे एकदम से रात के 12 बजे कोई शहनाई बजे, वो शहनाई अभी सुन रहे थे हम गाने। ये हंसी वाला मोड खराब कर दिया इसने, कुछ और ही गाने लग गए। ही 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 ही, हाँ ने रिंकी आके पापा, ही 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 ही, ऐसे ऐसे आ गया था। सुबह मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ये बन रहा है सैटरडे का नाश्ता, यानी पोहा पोहा पोहा। और ये यहाँ पे धनिया, और ये अमित ने बादाम भिगोए थे वो छिलने हैं, और ये छोंक दिया है पोहा, और ये पोहा रेडी, यमी यमी पोहा। मैंने अभी अभी एक पैकेट मैगी बनाई थी और इस आदमी से पूछ के बनाई थी कि तुम खाओगे या नहीं। ये बोला नहीं नहीं मैगी अच्छी चीज नहीं होती, मैं नहीं खाऊं। तो मैंने एक ही पैकेट मंगाई थी और मैं 2 मिनट डॉक्टर दी से बात कर रही थी, इतने में ये आधी खा गया। कितना इल्जाम लगा, नहीं खाई तुमने आधी। अब ये बोलेगा मैंने तो टेस्ट की थी, एक चम्मच खाई थी, टेस्ट की थी, बाकी स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा। बाकी स्टेटमेंट इनको पता है, ये अब तो जानते ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, देख दिखा, देख देख अब दिखाएगा ये। अब ये दिखाने के चक्कर में 2 बाइट और खा जाएगा। दे दो मेरी मैगी अब यार, तुम पहले ये बोलेगा मैगी तो अच्छी नहीं होती, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, इतनी गंदी होती है ना मैगी।
खांसी भी होगी, मैं कहाँ खाता हूँ मैगी। खांसी भी बता रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल रहा है। देख भाई मैंने टेस्ट की थी, ये बची हुई मैं खा लेती हूँ। बिहेव कर रही हो जैसे मैंने सारी खा ली हुई नॉन, थोड़ी सी लेके आई थी मैंने एक चम्मच। तो मैंने एक ही पैकेट बनाई थी क्योंकि तुमने मना कर दिया था कि नहीं खाओगे। मैंने बोला मैं पक्का नहीं खाएगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरी भी मती मार। और मैं अगर दो बना लेती तो ये बिल्कुल नहीं खाता। सही पकड़े हैं। मैंने कैच भी होता, मेरी मती मारी गई जो मैंने एक ही पैकेट बनाई। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती रहती है, जब देखो वो ब्लैक आ रहा है, मेरी शक्ल आ ही नहीं रही है उसमें। ब्लैक आ रहा है चाहे जैसा भी आ रहा हो, तुम तो दिख ही रहे होगे थोड़े बहुत। हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और न्यू व्लॉग में देखिए रवीना जो है मैगी खा रही है, और मुझे बोल रही थी कि तूने खा ली। मैंने टेस्ट किया था सिर्फ थोड़ा सा ना, तो उसमें ये सुनाने लगी ऐसे कैमरा उनके कि मैं जो है मैगी इससे पूछी थी, इसने जो है बोल दिया तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं जब बना के लाई पूरी खा गया। अब पूरी खा गया तो वो खाली होनी चाहिए थी ना प्लेट। पूरी खाई थी मैंने तो, मैगी खाई थी। देखो मैगी एज इट इज रखी है, देखो मैं दिखा चुकी। टेस्ट ये तो करी थी मैंने, इतने में क्या होगा। दिल्ली नहीं है भैया ना, काहे की दिल्ली, दिल तो है ही नहीं। हद। Here comes second edition of Maggie. यानी इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से मुझे दोबारा बनानी पड़ी मैगी। इस व्यक्ति की वजह से ऐसा बोल रही, मतलब पतिदेव की वजह से। तुमने खाई है, देख ऐसा मत करो भाई। पूरी नहीं खाई मैंने, पूरी नहीं खाई मतलब कितना कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाई ये बताओ। हाँ या ना, बस वो सारी हाँ ही मेरी थी, वो सारी ही मेरी वो थी। हाँ या ना सुनना चाहते हैं। Anyways, बस मैंने मैगी बना ली है, अब मैं दोबारा से। हाँ मतलब ले तो दे दिया ना इसको, ठीक है अब मैं दोबारा से बना ली, अब मैं दोबारा से खाऊंगी। दो बार खा चुकी है ऑलरेडी। इतना कन्विंसिंग है ना ये, जीतना पता कितना मुश्किल है। उनसे 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 बस एग्जैक्टली समझ गया मैं आपको। तो जी इसको भूख लग गई है, मेरे को नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी, अभी मैं उठ के काम भी करूंगी। तो अच्छा क्या खाना है, देखो चप्पल कद्दू है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है और चप्पल ऐसे लग रहा है जैसे सालों से बेचारे को खाना नहीं मिला भूख लग रही है। अच्छा तो बताओ क्या खाओगे, देखो चप्पल कद्दू बन सकते हैं। चप्पल कद्दू के चकोतरे भी बोलते हैं उनको, चकोतरे। चप्पल नहीं खाने चाहिए। अच्छा चकोतरे खा ले। चकोतरे खाए कुछ भी ठीक है। तो मैं फटाफट वो बना देती हूँ, राजमा और वो सब भिगो, रोटी भी कल जो है वो भिगो देती हूँ। चाट खानी है इसको सुबह सुबह, या फिर वो क्योंकि कल संडे है, मिक्स वाली ये वाली ना कुछ बना लेंगे सब्जी वगैरह। अच्छा हाँ तो कुछ बनाते हैं इसके लिए, चलो चलो इसके लिए। तो ऐसे क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है तो मैं एक ही रोटी खाऊंगी, खाऊंगी एक रोटी बस। फिर तुम ये बोलो कि मैं भी खाऊंगी, ये क्या है कि इसके लिए बना देती हूँ जैसे। तो नहीं नहीं भाई, हम दोनों ही खाना खाते हैं बिकॉज हम इंसान हैं। चलिए हम खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं ये बोलना चाहिए। चलिए हम खाना बनाते हैं और हम खाना खाते हैं। हाँ आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखते रहिए देखते रहिए हमारे ब्लॉग रवीना नमित को। ओके ओके हाँ जी, तो मैंने ये वाले बर्तन धो दिए हैं, यहाँ थोड़े से ही बर्तन थे, और रवीना जो है चप्पल कद्दू बना रहे हैं। और उसने देखो अच्छे से कितने अच्छे से फिलिंग किया, देखो ठीक है। तो ये मैंने फिल किए हैं कैसे करके, इनमें ऐसे ऐसे करके नीचे से बस बेस होना चाहिए थोड़ा सा ताकि ये फटे ना। और फिर इसमें मैंने प्याज भरा है, प्याज और मिर्च, और मिर्च को ऐसे कर लिया था ठीक है। अब इसको छोकते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। मैंने ऐसे टिंडे बनाए हैं, फिर मैंने ऐसे चप्पल गुद्दू नहीं बनाए, पहली बार बनाए, पहली बार बना रही हूँ जी। तो यहाँ पर जो है अभी जीरा डाला तुमने क्या? हाँ बस ये जो प्याज बच गए इनमें डालने के बाद वो मैं अभी छोंक दूंगी पहले। ओके तो छोंक में डल चुके। हाँ छोंक में डल जाएंगे, टमाटर डल जाएंगे। दो ऑप्शन हो सकते हैं, हम टमाटर को बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले डाल लेते हैं। और जब ये मसाले से डालेंगे ना तो ऐसे येलो येलो हाथ भी हो सकते हैं, बट इट्स ओके, ये सब्जी टेस्टी बनेगी, ये वर्दी है। नहीं ये चीज तो वो देखिए, ये पहले से अलग बनी है, ये मुझे ही लग रहा है कि प्याज अलग से नहीं डाले और वो येलोइश येलोइश डाल दिया ऐसा। येलोइश येलोइश मतलब ये जो प्याज थे मिर्च थी ऑलरेडी, उसमें हल्दी वगैरह मिली हुई थी ना। हाँ वरना हल्दी तो बाद में डालते हैं ना। हाँ, इसलिए नमक मिर्च के साथ। तो बस ये अच्छे से हो जाएंगे, तब ये रखते हैं। देखो जी
मसाला बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये शाबाश, तुम भी जाओ, तुम भी। चलिए इसको भी डाल ही देते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको धीमा करेंगे, ये टूटे ना उस हिसाब से, बस मसाला थोड़ा और इसमें नीचे से ऊपर तक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। नाइस, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है इनको। ये लो, अब इसको ढक के रख देंगे हम धीमी आंच पे, तब तक आप रोटी बना सकते हैं और फिर आप सब लोग मिलके खा सकते हैं। ये तब तक ये धीमी आंच पे सीखते रहेंगे। कितना टाइम लगेगा इसे? 10-15 मिनट ऐसे? नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। पानी डालना पड़ेगा या तो ये जलेगा तो नहीं, नीचे नहीं लगेगा? चेक करते रहें बीच बीच। ओ क्या बात, किसी का भरोसा नहीं हो। चप्पल कद्दू का क्यों किया? सही पकड़े हैं। तो जी एज यूजुअल जब है मैं बादाम भिगो रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 10, 11 14 करने है ना, 12, 13, 14। चलो जी पूरे हो गए हमारे बादाम, और रवीना तो यहाँ कर ही रही है ना, मतलब सबसे अच्छा काम, पुण्य का काम कर रही हो तुम, ये जो खाने बनाने वाला काम है। थैंक यू सो मच जी। कैमरा ऑन। ऑल्दो इनमें ना मतलब पानी थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ा फ्रिक्वेंटली दो तीन मिनट बाद चेक कर लेना, कहीं नीचे लग जाए। अपने नहीं लगने चाहिए, अपने थोड़े, सॉरी ठंडा है तो अपने थोड़े से लगे, बट इट्स ओके, कोई उसमें है नहीं, मैंने फिर भी टाइम से चेक कर लिया। अब भी लग गए? हाँ देखो ये रहे यहाँ से, कहाँ है ओए रवीना, तो वो थोड़ा सा लग गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, स्मेल वाला नहीं लगा है, नहीं आएगा। मैं देखता हूँ अब ना, अच्छे बनेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके मैं इनको बता रही थी, ओके चेक कर लेना अपने। ओके ओके अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे ना, हमारे मसालेदार, ये हमारे चप्पल कद्दू इज रेडी। क्या बात है, नाइस नाइस। अब ये व्यक्ति जो कैमरा लेके खड़ा है ये टेस्ट करके बताएंगे, पतिदेव बोल दिया आज तुमने, आज सूरज कहाँ से निकले? राम राम राम। कितने यार देखने में ही टेस्टी लग रहा है तुम, हाँ मिर्ची कैसे है? मजे, तो आप ऐसे चप्पल कद्दू बना सकते हैं आज, हो गया शानदार, अच्छा खाना बनाती है रवीना तुम। अरे मैं हूँ ही ग्रेट, तुम्हारी तारीफ में जितने शब्द मैं बोलूं जैसे अभिमन्युओं ने पेट माँ के पेट में बाण वो क्या था वो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था ना, मैंने अपने मम्मी के पेट में खाना बनाना कुछ भी बट इतने टेस्टी बने ना, बहुत टाइम बाद खाए हैं हम, इसे क्यों अवॉइड कर देते हैं जब भी सब्जी मंडी जाते हैं? हाँ क्या बहुत बार कर देते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से हम याद रखेंगे। ऐसे नहीं बनाया था ना मैंने, दूसरा नाम क्या था इसका? चकोतरे मैंने ऐसे नहीं बनाया था ना, हम काट के बना देते थे तो वो थोड़े से अलग अलग, अगली बार वो बनाओगी मतलब? अच्छा इसीलिए छोटे छोटे लेके आए ना, वैसे टेस्टी है, अगर छोटे छोटे लेके आए तो आप उनको एज इट इज भी रख सकते हो क्योंकि वो जल्दी पक जाएंगे। मेरे वाले में बड़े भी थे एक आधे, क्या सच में टेस्टी है? बहुत टेस्टी है, अप्रूव्ड, ये टेस्टी नेक ने अप्रूव कर दी डिश, मतलब इतने टेस्टी लगे, आराम से बैठ के खाना है। चलिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी कीप स्माइलिंग, बाय।